तो यार इस फोर्थ वाला एपिसोड में ट्विस्ट पे ट्विस्ट, खतरनाक क्लिक एंगर एंड ऊपर से पोस्ट क्रेडिट सीन, इसीलिए और डिले नहीं करते बढ़ते ब्रेकडाउन पे। तो ब्रेकडाउन है तो स्पॉइलर तो होगा ही। तो यार इस एपिसोड में हमें पता चल गया कि लेडी लोकी का मेन मोटिव क्या है, वो टाइम ट्रेवल क्यों कर रही थी। एक फ्लैशबैक की सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेडी लोकी को बचपन में ही टीवी वालों ने उठा लिया था। आगे रेंसलेयर से वो पूछती है कि कौन सा नेक्सस इवेंट क्रिएट किया था जिसके वजह से टीवी वालों ने उसे पकड़ा, जिसका रेंसलेयर जवाब नहीं देती। आप लोगों ने नोटिस किया हो तो रेंसलेयर टीवी का हंटर हुआ करती थी, जिसने सेल्बी का पूरा इसका टाइमलाइन से मिटा दिया था। तो सेल्बी टाइम कीपर से रेवेंस लेना चाहते हैं, तो हाँ यही लेडी लोकी का मोटिव है। और बाकी रहा रेंसलेयर वो वेरिएंट है या नहीं, ये तो नहीं पता, बट वो टीविया का सीक्रेट जानता है। अब इन्हीं सारी सीन में मैंने नोटिस किया, जब रेंसलेयर ने सिल्वी को टीविया में लाया था तो उससे टाइम कलर नहीं लगाया गया, एंड शायद यही रीजन है कि अब जितने भी वेरिएंट्स आते हैं उन्हें टाइम कलर लगाया जाता है। आगे बढ़े तो लेमेंटस के कुछ शॉर्ट दिखाया जाता है। एपिसोड 3 में क्लिप एंगर था कि ये दोनों लेमेंटस से निकलेंगे कैसे, तो हाँ यहाँ रिवील हो गया, यहाँ एक ऐसा नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ था कि लोकी सिल्वी को लाइक करने लगा था, तो यही रीजन है जो वो कुछ ऐसा टाइम ब्रांच बना था जो टीबीए ने कभी नहीं देखा था। इस नेक्सस इवेंट के चलते टीबीए को उनका लोकेशन का पता चल जाता है और वो दोनों ही पकड़े जाते हैं। फिर जब दोनों को पकड़ के टीबीए में लाया जाता है तो लोकी को कुछ टाइम के लिए टाइम सेल में रखा जाता है। यहाँ तो भाई टाइम लूप चल रहा था, लेकिन यार मुझे तो डॉक्टर स्ट्रेंज का फाइनल सीन याद आया। टाइम से निकलने के बाद मोबियस लोकी को थोड़ा सा इंटरोगेशन करता है, वैसे वो सिल्वी से भी बात करना चाहते थे पर ऑब्वियस रीजन रेंसलेयर ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन लोकी यहाँ सिल्वी को बचाने के लिए कुछ झूठ बोलता है, लेकिन मोबियस को पता चल जाता है। जब लोकी उसे सच बोलता है कि टीवीए का सारे एजेंट वेरियंट है, तब भी वो नहीं मानता, पर शक जरूर होता है। आगे हंटर B15 को भी रियलाइज होने लगा टीवीए से पहले भी उसकी लाइफ थी, जब उसे सिल्वी ने कंट्रोल किया था तभी उसे उसकी पास्ट लाइफ के कुछ सीन दिखाई दिया, और उसी को कंफर्म करने के लिए वो वापस सिल्वी के पास जाते हैं। मोबियस को तो रेंसलेयर के टाइम पेड से ही पता चल जाता है कि वो वेरिएंट है। मोबियस को जब पता चल ही जाता है कि सब वेरिएंट है तो वो लोकी के सपोर्ट में है और उसे टाइम सेल से बाहर निकलते है। लेकिन बाहर रेंसलेयर मिनटमेंट्स के साथ रेडी रहते है, और जब मोबियस सब कुछ बोल ही रहा होते है तभी उसे बीच में ही उड़ा देते हैं। इस एपिसोड में काफ़ी सारा शॉकिंग सीन था, लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग सीन ये है कि फर्स्ट एपिसोड में मिला टाइम कीपर्स का लुक, इस एपिसोड में हमें पता चल गया कि टाइम कीपर्स फेक है। एंड में जब सिल्वी एक टाइम कीपर्स को मारती है तो वो रोबोट निकलता है, और यही पे रेंसलेयर लोकी को मिटा देता है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है लोकी को मिटा देने के बाद भी किसी और टाइमलाइन में चला गया है, ऐसा में भी बाकी कैरेक्टरों के साथ भी हुआ होगा। होप सो कि मेरा ब्रेकडाउन आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ ऐसी ही ऑसम वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।